अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा धनशीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई, जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप मसूर की दाल, 1/4 कप तूर दाल, 1/4 कप मूंग दाल, 1 मीडियम अनियन फाइनली चॉप्ड, 1 टमाटो फाइनली चॉप्ड, 2 ग्रीन चिली, 12 से 15 करी लीव्स, 7 से 8 गार्लिक पॉड्स लहसुन की कली मोटी कुटी हुई, कोरिएंडर लीव्स 2 टेबलस्पून, 2 सूखी लाल मिर्च, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 3/4 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून क्यूमिन, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, हींग 1/4 टीस्पून, अमूल बटर 3 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून। मेथड, सबसे पहले दाल को धोकर 1 आवर के लिए भिगो कर रख देंगे। अब हम देखेंगे दाल फ्राई बनाने का मेथड। सबसे पहले कुकर में भिगोई हुई दाल, थोड़ा सा पानी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट ऐड कर कुकर का ढक्कन लगाए और 1 सीटी लेकर गलने के लिए रख दें। देखिए हमारी दाल गल गई है। हमने इस दाल को थोड़ा मोटा रखा है, ज़्यादा गलने नहीं दिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और चम्मच से थोड़ा सा फेंट लेंगे। दाल को फेंटने के बाद और 1/2 कप पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल गरम करें, अमूल बटर डाल दें, क्यूमिन और मस्टर्ड सीड ऐड करें, गार्लिक, रेड चिली, ग्रीन चिली, करी लीव्स, अनियन, टमाटर एंड कोरिएंडर लीव्स, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग। सारी चीज़ों को 5 मिनट भून लें, हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहें। सारे स्पाइसेस, अनियन और टमाटो अच्छे से मिक्स हो गया और टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। दाल को 2 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दाल फ्राई रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।